नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना वैक्सीन की किल्लतों से जूझ रहे नवी मुंबई शहर को राज्य सरकार द्वारा कोविशील्ड वैक्सीन की 20,000 खुराकें प्राप्त होने के साथ अब नवी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में टीकाकरण की फिर से शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि नवी मुंबई में अब तक कुल 1,44,459 नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन का टीका लगाया गया है। नागरिकों को घरों के नजदीक कोरोना की वैक्सीन लगाने की सुविधा मिल सके, इसलिए अब नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर ने 4 नए केंद्रों की शुरुआत कर दी है, जिसमें शामिल है नेरुल फेस 1, नेरुल फेस 2, नौसल नाका महापे के 4 नागरिक आरोग्य केंद्र। ध्यान रहे, बता दें कि अब वाशी, नेरुल, एरोली इन तीनों ही नवी मुंबई मनपा अस्पताल में 24/7 टीकाकरण केंद्र प्रारंभ रहेगा। तुर्भे रामतनु माता बाल अस्पताल में और तेज नागरिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोरोना के टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे। वाशी सेक्टर 5 स्थित ईएसआईएस अस्पताल में जंबो टीकाकरण केंद्र के 4 बूथों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 2 सत्रों में टीकाकरण किया जा रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा संचालित केंद्रों पर सप्ताह में 7 दिन टीकाकरण निःशुल्क दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन देने वाले 17 निजी अस्पतालों में 4 निजी अस्पतालों को और शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं एमजीएम अस्पताल सेक्टर 4 सीबीडी बेलापुर, न्यू मानक हेल्थ केयर सेक्टर 8 नेरुल, न्यू मिलेनियम हॉस्पिटल सेक्टर 9 नेरुल और क्रिटिक केयर हॉस्पिटल सेक्टर 5 एरोली। बता दें कि नवी मुंबई महानगर पालिका के 4 बूथों के जम्बो कोविड वैक्सीन केंद्र के साथ 28 अस्पतालों, नागरिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 21 निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 49 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का काम किया जा रहा है। कोवैक्सीन की पहली खुराक 13,422 नागरिकों द्वारा ली गई है और आज से कोवैक्सीन की दूसरी खुराक शुरू की गई है। बता दें कि प्रत्येक व्यक्ति को नियमित अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेने की आवश्यकता होती है और कोविशील्ड या कोवैक्सीन इन दोनों में से जिसने भी 1 वैक्सीन की खुराक ली है उसे दूसरी खुराक लेना बेहद जरूरी है। इसलिए नवी में मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने लोगों से अपील की है कि वह दूसरी वैक्सीन की खुराक जरूर लें और मनपा को सहकार्य करें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी में नेटवर्क।